एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे ला 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 ला। दोस्तों, इतनी घटिया हरकत करते हुए इसे जरा भी शर्म नहीं आई, ये बात मुझे पहले ही पता थी। क्योंकि ये इंसान जितना ज्यादा ऊपर से हवसी है ना, इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से इसकी शक्ल से ही पता चल जाता है यार, ये इंसान बहुत हवसी है। ठीक है, अब देख लें, रात के 4 बजे कौन किसी के घर जाता है। और बहाना ऊपर से क्या लगा रहा था कि मुझे जिल्द का मसला है। डॉक्टर ने कहा भाई जिल्द का मसला है, जैसे आप मगरब टाइम जाओ ना किसी के घर, 4 बजे कौन जाता है। अच्छा, अब चलो 4 बजे चला भी गया, ठीक है, तो उधर जाके काम की बात करें, इसने डायरेक्ट दूसरे काम करने शुरू कर दिए। और बुड्ढे बुड्ढे होकर ये काम करते हुए इसे बिल्कुल भी शर्म ना आई। चलो मेरे वर्ग को जवान आदमी करे समझ में भी आता है, ये बुड्ढा साला जवान अपनी बेटी की उम्र के साथ ये काम करता है, इसको बिल्कुल भी हया नहीं। एक बात मेरी याद रखिएगा, ये कोई फर्स्ट केस नहीं होगा। इसकी फैंस इसको SMS यूं ही करती होंगी, यूं ही ये उनके घर उसको मिलने के लिए जाता होगा और यही काम डालता होगा। आज तो ये पहली बार पकड़ा गया है, इसलिए ये मंजरियाम पर आ गए, लेकिन ठीक इसकी इज्जत उतारी है। अब ये सारी उम्र किसी लड़की को या किसी औरत को गालियां निकालने के काबिल नहीं रहेगा। वैसे इसने काम सही किया था कि औरतों जो जिस्म की नुमाइश करती थी, जो गलत काम करती थी, उनको ये उनकी औकात में रखता था। लेकिन अब वो ही औरतें इसको इसकी औकात में रखोगी कि भाई तुम ये काम करते पकड़े गए, एटलीस्ट तुम तो हमें ज्ञान मत दो ना, क्योंकि तुम तो खुद जानी हो बहुत बड़े, अपनी बेटी की उम्र के साथ जाकर तुमने क्या हरकतें की, क्या तुमने गुल खिलाए, और तुम हमें आकर बता रहे हो कि भाई हमें ये काम नहीं करने चाहिए। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। खलीलुर रहमान भाई तेरी तो लग गई है अच्छी खासी, तुझे उसी टाइम ही शर्म आ जानी चाहिए थी जब कुछ दिन पहले तुम्हारी चैट लीक हुई थी। दोस्तों, जब इसकी चैट लीक हुई थी ना, उसी टाइम मुझे पता चल गया था कि अब इसकी वीडियोज भी जरूर आने वाली है, क्योंकि जिस बंदे ने इसको अपने घर में बुलाया, ठीक है, रात 4 बजे, उसने सिर्फ इसको बुलाया तो नहीं होगा, अब ऑब्वियसली इसकी वीडियोज भी बनाई होगी। मुझे तो लगता है इसकी वो वीडियोज भी कुछ दिन में आने वाली हैं, जिसके अंदर ये उन लोगों से माफिया भी मांग रहा होगा जो इसको पकड़ के लेके गए थे, उनकी भी वीडियोस अब देखना निकल के आएंगी। जिन लोगों ने इसके ऊपर पिस्तौल ताने इसको गाड़ी में बिठाया था ना, उन लोगों की अब वीडियोस भी निकल के आएंगी। मुझे पता है वो भी बनी हुई है वीडियोस। मैंने सुना है कि 1.5-1.5 घंटे की 2 वीडियोस पड़ी है, ये तो अभी सिर्फ 1-2 मिनट की वीडियो ही रिलीज हुई है किसी ने की है, और अभी तो 1.5-1.5 घंटे की वीडियो आनी बाकी है। और उन्होंने ये ट्रेलर दिया है खलीलुर रहमान को, क्योंकि खलीलुर रहमान अदालत में केस जीत रहा था, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये वीडियो इसकी फेंक दी इंटरनेट पर कि अब केस जीत के दिखाओ। तुम तो कहते हो कि मैं सिर्फ काम के लिए गया रात 4 बजे और मुझे फंसा लिया गया, तुम तो ये काले काम करने के लिए गए थे। अब तो जज साहब को भी इसका फैसला करते हुए डूब मरना चाहिए अगर उसने गलत फैसला किया इसके हक में। वैसे इसके हक में कोई फैसला करेगा तो नहीं, ये अब बदनामे जमाना हो चुका है डॉक्टर अमर लियाकत की तरह, लेकिन फिर भी अदालतें कुछ ना कुछ बड़े काम बड़े लोगों के साथ मिल ही जाती है। अब कसूर मैं कहूंगा खलीलुर रहमान का 60% है, और जो दूसरी पार्टी है जिसने इसको हनी ट्रैप में फंसाया, उनका कसूर अब 40% है। अब पता नहीं मजीद वीडियोस क्या सामने आती हैं, पता चल जाएगा, लेकिन ये हवसी इंसान है और अब शोबीज इंडस्ट्री में सब लोग इससे डरेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसने शोबीज इंडस्ट्री में किसी को छोड़ा होगा, ये हर किसी को पेल देता होगा शोबीज इंडस्ट्री में भी, बड़ा ही हवसी इंसान है आज, लेकिन इसकी हसली सबके सामने आ गई है। तो अब सारी जिंदगी इसका नाक कटा रहेगा, डूब के मरता रहेगा, सारी आवाम भी अब इसको जान गई है कि ये कैसा इंसान है। खैर, इसी के साथ आज की इस शानदार वीडियो का भी होता है इख्तिताम, अब हमारी मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।